ये कहानी है उस ग्रह की जिस पर उन दिनों अमन और खुशहाली का माहौल था। जो घटना घटने वाली थी उसका होना जरूरी था। आग में से जन्म लेगा एक ऐसा राजा जो अपनी प्रजा को बुराइयों की सदियों पुरानी रूहों के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल करवाएगा। शांत हो जाओ स्नफ। तू कहाँ चला बच्चू? चल अब हफ्ता दे या मर। तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारी मूछ है। तुम्हें भी हफ्ता देना होगा। यहाँ आने की कीमत चुकानी पड़ती है। चिटारा, इनको ये जानकर अच्छा नहीं लगेगा कि उनका बेटा गली के गुंडों से लड़ रहा था। ये अपनी पहचान को छिपा नहीं पाया। ऐसी क्या बात थी जो तुमने यहाँ आने में जान की बाजी लगा दी? है कुछ, पर तुम इस राज को राज रखना। उसे पता है आज का दिन कितना खास है। वो लड़का कहाँ है? जागा। उस पर दबाव मत डालो क्लॉडस। लायनो, आइए आइए, मेरे पास आपके लिए कुछ है। ये सब है क्या? ये सब बाहर की चीजें हैं, ठंडेरा से काफी दूर की। वही चीजें जिसे भविष्यवाणी टेक्नोलॉजी कहती है। बचपन में हम उड़ने वाले जहाजों की कहानियों पर यकीन करते थे। शायद उन कहानियों को सब भूल गए हैं, पर मैं नहीं भूला। मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं एक और बड़ी दुनिया है। ओह, देर हो गई, इसे मैं ले जा रहा हूँ। हो सकता है अगली बार मैं तुम्हारे किसी काम आऊँ। सॉरी सॉरी सॉरी। भविष्यवाणी की तलवार को पेश करो। सिर्फ थंडेरा की आंख जो हमारी शक्ति का स्रोत है, वही ये बता सकती है कि तुम्हारे अंदर एक राजा है या फिर नहीं। तुम्हारे हाथों में वो है जिसने थंडरकैट्स का साम्राज्य स्थापित किया था। बहुत अच्छे, ख्याल लगा। तुम रुक क्यों गए? मैंने कुछ देखा। तलवार तो तैयार है लायनो, पर तुम तैयार नहीं। मेरी क्या गलती? मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। और मैंने भी तो कुछ नहीं कहा। यकीन नहीं होता, फिर वो आ गए। तुम्हें देखकर दिल को सुकून मिला दोस्त। हमारा प्यारा दोस्त पैंथ्रो कहाँ है? उसी के बलिदान की बदौलत आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। कई साल पहले मैंने अपने दोनों सेनापति ग्रून और पैंथ्रो को विलुप्त हुई भविष्यवाणियों की किताब ढूंढने भेजा था। आज हम इसी खुशी में जश्न मनाएंगे। नमस्ते सर, वाली कैट और किट आपकी सेवा में हाजिर है। मेरी बहन और मैं मधुर धुन सुनाकर आपका मनोरंजन कर सकते हैं। मुझसे दूर हटो। जी। अब बस करो। इस प्रिंस, हम पर रहम करो। इन बिल्लियों से रहम की उम्मीद करना तो पत्थर से पानी निचोड़ने की कोशिश करने के बराबर है। अगर हम तुम्हारा अनाज चुराते हैं तो सिर्फ अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। चलो चलें, गेम्स का वक्त हो गया है। पैंथ्रो के नाम, पैंथ्रो के नाम। क्या आपको आपके सफर पे कहीं भी टेक्नोलॉजी नजर आई? इनसे बेकार सवाल मत पूछो लायनो। यहाँ तो कुछ नहीं बदला है क्लॉडस। मुझे तुम में अपनी ही झलक दिखती है। तुम एक अच्छे राजा साबित होते हैं। लायनो भी एक बहुत अच्छा राजा साबित होगा। लेकिन तुम अपने हीरो के सामने हारने से डरते हो। अभी उसका वक्त नहीं है। मैं तो कहता हूँ यही सही वक्त है। उससे पहले ऊपर मैं ही पहुँचूंगा। मैं पहुँचने दूंगा तब ना। मैं ठीक तुम्हारे पीछे हूँ लायनो।
सब लोग यही समझते हैं कि मैं एक नकारा हूँ। वो किताब कहती है कि हमारे सबसे महान राजा के आने वाले कल को देखने की काबिलियत होगी। जश्न मनाया जा रहा है, जाकर मजे करो। थैंक यू जागा। खाना अब तैयार है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। पता है बहना, हमेशा हमारा ये हाल नहीं रहेगा। एक बार मुझे वो नक्शा मिल जाए फिर मैं तुम्हें ले चलूँगा खजाने के शहर एल्डारा। इन छिपकलियों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, ये सजा के हकदार नहीं है। तुम सब सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना, क्योंकि इसके साथ मैं हूँ। दो नहीं तीन। एक ही दिन में दूसरी मुलाकात। देखो मैं दिख रहा हूँ ना, अब गायब हो गया। छिपकलियों ने कुछ नहीं किया है, इन्हें छोड़ देना चाहिए। इन्हें छोड़ दे, पागल मत बनो। अगर छिपकलियों पर हम जुल्म ना ढाए तो ये भी हमें इतना परेशान नहीं करेंगे। निकल जाओ यहाँ से। बाप रे। देखा ना, मैंने सच कहा था, तुम में कुछ तो बात है जो अलग है।